नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जानकीपुरम विस्तार में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सृष्टि अपार्टमेंट के आवंटियों की मुसीबतें दिन रात बढ़ती ही जा रही हैं। बारिश के मौसम में अपार्टमेंट के भूतल में दीवारों से पानी धार बनकर निकल रहा, जो -1 में भी जमा हो रहा, जिससे अपार्टमेंट के सैकड़ों निवासी भयभीत हैं। निवासियों का कहना है कि कई बार मिन्नतें करने के बाद अधिकारी निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर चलते बनते हैं। लखनऊ जनकल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष अपार्टमेंट निवासी विवेक शर्मा ने कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद आज दोपहर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा सहायक अभियंता को भी मौके पर बुलाकर समस्या के निदान के लिए निर्देशित किया। मौके पर निरीक्षण कर रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता अवनींद्र सिंह ने बिल्डिंग में आ रही सीलन की समस्या के निदान के लिए किसी अच्छी कंपनी का चयन कर इस समस्या से आवंटियों को निजात दिलाने की बात कही है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, अब इस सृष्टि अपार्टमेंट आए हुए हैं, क्या समस्याएं आपको प्रथम दृष्टया देखने को मिली और उस पर क्या निर्देश जारी किए गए? उसमें जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि बेसमेंट से सीपेज हो रहा है और जो आपका ये लान बना हुआ है सामने, इससे भी जो है पानी जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करेंगे और उससे सर्वे करा करके इसका जो भी वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट होगा कुछ अधिकारियों से बात करके इसको करवाया जाएगा। यहाँ के आवंटियों का कहना कि काफ़ी समय से समस्या उत्पन्न हो रही, क्योंकि जिस तरीके से -1 है और बेसमेंट है उसमें पानी लगातार जा रहा है, ड्रिल करके भेजा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो ये इमारत की नींव है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की आशंका लोगों में आ रही थी, तो उसके लिए अब ठोस कदम क्या उठाए जाएंगे उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। उसके लिए तो ठोस कदम यही है कि जब जो भी पानी जा रहा है उसको रोका जाए तत्काल, वही ठोस कदम है, इसके अलावा तो और कुछ ठोस कदम हो नहीं सकता। तो क्या आप लगता है कि मतलब निजात मिले? अगर कहीं आपका स्टील खुला हुआ हो, पानी यहाँ से पकड़ा होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा स्टील का। तो कब आप ये क्या मान के चला जाए कि कितने दिनों में यहाँ के निवासियों को, यहाँ के आवंटियों को समस्याओं से निदान मिल सकेगा? देखिए, अब हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं वो इसमें बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं और उनके द्वारा ही टीम बना के भेजी गई है और उसमें साथ साथ ही निर्देश है इसका निस्तारण भी रिपोर्ट में दिया जाए, तो हम लोग निस्तारण दे देंगे कि एक्सपर्ट एजेंसी से इसका सर्वे करवा लिया जाए। और जो भी इस मेन एक ही समस्या है कि जो यहाँ पे पानी का रिसाव हो रहा है या जो सीपेज आ रहा है, इसको ही दूर करना मेन है, इसको हम लोग जल्दी अपना प्रयास करके इसको हम लोग करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।